नर्मदे हाँ। एक कौन सा गांव है महाराज जी? ये है छपरी। छपरी। हम जो है इधर पीछे कौन सा गांव है? इमलाई। पीछे इमलई निकल गया है, और उसके पीछे क्या था? रायपुरा का क्या कहते हैं? हाँ, औरई। और आई रायपुरा। हाँ, और आई रायपुरा और इमलई निकल गया है, और ये छिपरी गांव है। अब यहाँ से ये बता रहे हैं कि मैया का रास्ता बहुत विकट है, तो अब हम जो है चाबी होते हुए सीधा रोड का रास्ता पकड़ेंगे। हाँ इधर रोड होते हुए चाबी हाँ देवनाला पड़ेगा, आश्रम देवनाला के बाद पड़ हाँ जाएगा तुमको राई, राई राई के बाद हर्रा टोला, हर्रा टोला के बाद चाबी, चाबी, और ऐसे चाबी से महगांव, चाबी और से महगांव महगांव से देवगांव। देवगांव। बोल श्यावल रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय बद्री विशाल की जय, जय। नर्मदे मात की हाँ जय, हर हर महादेव। और ये माता जी, माता जी हैं, कम से कम इनका दो माता साल के ऊपर है। इनका कम से कम 100 साल से बहुत ज़्यादा ऊपर उम्र है माता जी का। और ये यहीं रहती हैं माता जी, बाबा जी भी यहीं रहते हैं। ये आश्रम है माँ नर्मदा के किनारे, नर्मदे हार। ये डंडोरी जिला है। माता की उम्र कम से कम 110 से ऊपरी है, नहीं 120, 120 एक महाराज सौ जी, बीस है 120 साल की उम्र है माता जी। माता जी टोपा हटाना, टोपा टोपा हटाओ। हाँ देखो देखो माता जी कितना उम्र है, 120 साल की उम्र है इनकी माता जी की, और नर्मदा किनारे रहती हैं। वाह बहुत सुंदर।